ये जो दर्द का सैलाब आपके शराब के प्याले से छलक रहा है, इसकी वजह मोहब्बत है। अब दर्द है तो मरहम का एहसास होता है, चोट नहीं होगी तो मरहम का एहसास कैसे होगा? और अगर अंधेरा नहीं होगा तो रोशनी का एहसास कैसे होगा? Let's have a drink. Come on. जिंदगी भी कितनी अजीब होती है यार। एक बार तुम मुझे ड्रिंक ऑफर कर रहे थे, मैं नहीं पी रहा था, और आज मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूं, तुम पीना नहीं चाहते। Come on यार, हमारी दोस्ती यहीं से शुरू हुई थी। Let's have a drink together. तो मैं ये कह रहा था कि जिंदगी बहुत अजीब होती है। हम एक बार में मिले, एक दूसरे से बातें की, साथ में शराब पी, दिल की बातें शेयर की, ये जाने बगैर कि जिस लड़की के बारे में हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं वो असल में एक ही लड़की है, रोशनी, मेरी पत्नी। यश यार, यहां मात खा गए तुम। इस मामले में मैं तुमसे कई कदम आगे हूं। ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन इस अजीब सी लाइफ को जिस मोड़ से मैं देख रहा हूं ना, वहां तुम और रोशनी एक दूसरे से बहुत दूर हो। ऐसा तुम्हें लगता है क्योंकि रोशनी का क्या है ना यश, कि वो बहुत दूर से भी दिखाई देती हो, देखा, लेकिन वो रोशनी किसके घर की है ये सिर्फ घर वाला बता सकता है यश। यश, रोशनी मेरी जिंदगी है, मेरी पत्नी है, मेरा सब कुछ है। शी इज माई लाइफ। देखो यश, तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम्हें इस वक्त अपने काम पे, अपने बिजनेस पे फोकस करना चाहिए। तुम्हें समझाने के लिए, यूर अ गुड गाय, यू डिजर्व द बेस्ट, बट आई एम सॉरी माई फ्रेंड, आई ऑलरेडी हैव द बेस्ट। देखो यश, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा बिजनेस है, सब कुछ है, तुम्हें चले जाना चाहिए, अपने बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए। एक ऐसी चीज पे वक्त जाया नहीं करना चाहिए जो तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। इसीलिए मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया। इट्स अ टिकट टू बैंकॉक यश, आई थिंक यू शुड गो होम। बहुत तेज भाग रहे हो तुम, इतनी जल्दी फैसला कर लिया? डर लग रहा है मेरे यहाँ रहने से। मेरे दोस्त, प्यार में जोर जबरदस्ती नहीं चलती, और जोर जबरदस्ती से आज तक कोई अपने प्यार को हासिल भी नहीं कर पाया। करेक्ट, लेकिन ये जोर मेरा नहीं है यश, ये जोर मेरे प्यार का है, और इस जोर को तुमने भी महसूस किया ही होगा। आफ्टर ऑल, रोशनी के साथ कुछ वक्त तो तुमने भी बिताया है। अगर तेरे प्यार में इतना ही जोर है तो क्यों छोड़कर चली गई थी तुझे वो? बड़ा गुरूर है ना तुझे अपने प्यार पर। पिछले 6 महीने में एक बार भी कांटेक्ट करने की कोशिश की उसने? सिद्धार्थ खुराना, तुमने रोशनी को दर्द और अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं दिया है, लेकिन अब वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती, इसलिए उसे आगे बढ़ने दो, और अड़चने मत पैदा करो उसकी जिंदगी। देखो यश, अगर ऐसा होता ना तो रोशनी दौड़कर मुंबई नहीं चली आती जब उसको यह पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, जब उसको यह पता चला कि मैं मौत के मुंह में हूं। उसका प्यार उसे यहां खींच कर लेके आया यश, मेरा प्यार उसे यहां खींच कर लेके आया। ये है मेरे प्यार का जोर। तो ठीक है, अगर तुम्हें इतना भरोसा है तो देख लेते रोशनी किसके घर को रोशन करती। हार जाओगे यश, बुरी तरह हार जाओगे। रोशनी सिर्फ मेरा प्यार, मेरी जिंदगी नहीं, मेरी पत्नी भी है, एक हिंदुस्तानी लड़की है। और एक हिंदुस्तानी लड़की के लिए शादी बहुत बड़ी चीज होती है, बशर्तन वो शादी धोखेबाजी नहीं। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। अब तुम भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूं। देखते हैं यश कि किसके प्यार में ज्यादा जोर है, एक पति के या फिर एक बचपन के दोस्त के। बेशक।